हेलो, आज का हमारा नया टॉपिक है कि विंडो एक्टिवेट कैसे करते हैं, विंडो 10। ये देखो, हमने यहाँ पे KMS ऑटो के नाम से ये आपका एक्टिवेटर है जिसके माध्यम से हम विंडो एक्टिवेट करेंगे। यहाँ से एक्टिवेट होगी विंडोज़। ये देखो, अब एक्टिवेशन हो रही है विंडोज़ की। ये जो प्रोसेस होता है, ये एंटीवायरस ऑफ करके करना होता है, तो इसलिए इसको एंटीवायरस को हमने पहले डिसेबल किया, उसके बाद कंटिन्यू करके ये विंडो एक्टिवेट प्रो जो है हमने एक्टिवेट कर दी। अब ये एक्टिवेटर रन हो गया, एक्टिवेटर चल रहा है, ये 1 मिनट के अंदर ही एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये देखो, एक्टिवेट हो गई है ऑलमोस्ट। अब इसमें ऑप्शन आ गया, इसको नो करते हैं। अब ये देखो, सामने एक्टिवेट हो गई कंप्लीट। संदीप, हाँ सन्नी, हो गई एक्टिवेट। अब इसके बाद कुछ करना है? अब इसके बाद कुछ करना है? एमएस ऑफिस भी देखो, एमएस ऑफिस एक्टिवेट करना है। हाँ, वो भी करना है। ये 2016 है, चेक कर लो। हाँ, 10 है, एक्टिवेट कर दो 10 को ही। एक्टिवेटेड नहीं है। इसी से हो जाएगा ना? ठीक है, ये देखिएगा, एमएस ऑफिस एक्टिवेट कर रहे हैं आप। ये 2010 है, इसको भी एक्टिवेट कर देंगे इसी एक्टिवेटर से। एक ही KMS ऑटो नेट से दोनों विंडो भी और एमएस ऑफिस दोनों एक्टिवेट कर सकते हैं आप। नहीं हुआ था? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हो गया ये भी एक्टिवेट। ठीक है, कोई नहीं, मैं देखता हूँ, और कोई ज़रूरत होगी तो आपसे हेल्प ले लेंगे। ओके, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक था, विंडो एक्टिवेशन का टॉपिक था, और ये कंप्लीट हो गया है। इसको हम देखो, अब यहाँ पे एक्टिवेशन का जो साइन है वो नहीं आ रहा है, ये विंडो कम्प्लीटली एक्टिवेट हो गई है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपनी विंडोज़, अगर आपकी कभी विंडो एक्टिवेट नहीं होती है आपसे, तो आप इस KMS ऑटो नेट एक्टिवेटर को डाउनलोड करके इसकी साइट से और एक्टिवेशन कर सकते हैं विंडोज़ की। मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ से हमने डाउनलोड किया था, इसकी हिस्ट्री आ रही होगी, ये साइट है। इस साइट को अगर आप देखेंगे, ये सामने www.kmsauto.info करके ये साइट है। इस साइट को आप वहाँ से लॉगिन करेंगे और वहाँ से ये ओपन है, ओपनली आप इसे डाउनलोड करके अपनी विंडोज़ एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। देखो, मैंने इसके अंदर एंटीवायरस भी डिसेबल किया हुआ है, अब मैं एंटीवायरस को अनेबल कर दूंगा। ये पासवर्ड डाल के मैंने अनेबल कर दिया, तो हमारी जो विंडोज़ है कम्प्लीटली एक्टिवेट हो चुकी है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये पहले की तरह अब यूज़ हो